गलवान घाटी में चीनी सेना ने धोखे से भारतीय सेना के जवानों पर हमला कर अपनी गंदी मानसिकता का प्रदर्शन किया था, जिससे पूरा देश चीन को सबक सिखाने की बात कह रहा है। ऐसे में ग्वालियर में नगर निगम द्वारा अनुबंधित चीन की इको ग्रीन कंपनी का विरोध भी शुरू हो गया है। भारतीय सेना के जवानों को खोने के बाद से देश में चीनी सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। ग्वालियर में नगर निगम द्वारा अनुबंधित चीन की इको ग्रीन कंपनी का विरोध शुरू हो गया है। चीन द्वारा भारतीय सैनिकों की निर्मम हत्या से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गलवान घाटी में चीनी सेना ने धोखे से भारतीय जवानों पर हमला किया था, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए थे। तब से ग्वालियर में आम लोग और जनसेवी संस्थाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। करीब 4 साल पहले चीन की इको ग्रीन कंपनी ने ग्वालियर नगर निगम में कचरा प्रबंधन का ठेका लिया था। समाजसेवी संस्थाओं का कहना है कि चीन हमेशा पीठ पर छुरा भोंकने का काम करता आया है, इसके लिए उसके उत्पादों उसकी कंपनियों का पुरजोर विरोध किया जाएगा और नगर निगम पर भी अनुबंध खत्म करने के लिए दबाव डाला जाएगा, क्योंकि चीन भारत से पैसा कमाकर भारत के ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, जो कतई सहन नहीं किया जा सकता। समाजसेवी संस्था के कार्यकर्ता सिटी सेंटर स्थित इको ग्रीन पार्क के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए, जहां एक चीनी नागरिक इस कंपनी में कार्यरत था, ग्वालियर में ही रहता था। धरना प्रदर्शन की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और एसडीएम को समाज सेवियों ने ज्ञापन सौंपा। पिछली सरकार के दौरान पीकॉक ग्रीन कंपनी ने देश के कई नगर निगम में अनुबंध के आधार पर कचरा प्रबंधन का ठेका लिया था। देखिए, एक साल पहले ढोकला में जिस तरह चीन ने भारत को धोखा दिया, अभी ग्वालियर घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए। ऐसी स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर ग्वालियर मध्य प्रदेश में इको ग्रीन नामक एक कंपनी कार्यरत है, जिसका कचरा कलेक्शन का, गार्बेज कलेक्शन का पूरा काम नगर निगम के माध्यम से ग्वालियर में इको ग्रीन कंपनी कर रही है। ऐसी स्थिति में जब चाइना लगातार हमें चुनौतियाँ दे रहा है, लगातार हमसे धोखेबाजी और षड्यंत्र पूर्वक हमारे सैनिकों को शहीद कर रहा है, ऐसी स्थितियों में हमारा पैसा, हमारे द्वारा दिया गया टैक्स को इको ग्रीन जैसी कंपनियों को दिया जाता है और वो कंपनियां जाकर इस पैसे का हमारे ही सैनिक, हमारे ही देश के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो युवाओं के समूह ने, ग्वालियर के विभिन्न सामाजिक संस्थानों से रिप्रेजेंटेड लोग यहाँ पर आए हैं और उन युवाओं ने इस इको ग्रीन और भारत के अंदर चाइना की समस्त कंपनियों का विरोध इको ग्रीन कार्यालय के सामने किया। चाइना ने जो हमारे देश पर जो है वहाँ पर गलवान घाटी में और उसमें सैनिकों की नियत के सैनिकों की हत्या की, उसके विरोध में आज यहाँ ग्वालियर में इको ग्रीन कंपनी है, वो जो शहर का कचरा उठाती है, तो उसको चूँकि चाइना बेस्ड कंपनी है तो पूरे देश में ही चाइना में वो हो रहा है, तो आज इन्होंने भी यहाँ इसी क्रम में ये धरना प्रदर्शन किया है और एक ज्ञापन देने वाले हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।